नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल ज्ञान शुभम में। और मैंने इससे पहले ग्रुप डी का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का था उसमें बता दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट लगेगा, और मैं अब ग्रुप सी का बताने वाला हूं। इसमें ड्राइवर सहित जितनी भी ग्रुप सी की पोस्ट्स आती हैं उन सबका मैं बताने वाला हूं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और जिन भाइयों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उससे जुड़ी हुई सारी जानकारियां अपने चैनल पे देता रहता हूं। खास करके ग्रुप डी की मैंने कोई भी ऐसी जानकारी नहीं छोड़ी है जो मैंने ना दे दी हो, कोई भी ऐसा पेपर नहीं मैंने जो अपलोड ना किया हो चैनल पे। तो फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगे, पहले करने की ज़रूरत नहीं, मैं ऐसा नहीं करो, पहले ही कर दीजिए। मैं स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, इसका ज़रूरत कब पड़ती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो इसकी ज़रूरत आपको ज्वाइनिंग के समय पड़ती है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसके लिए मैंने प्रूफ के तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जारी किया हुआ ग्रुप सी का एक अपॉइंटमेंट लेटर है उसको क्रॉप किया है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर लिखा हुआ है सर्टिफिकेट जो है ये जारी किया गया है ड्राइवर ग्रेड 4 और ग्रुप सी और क्लास 3 के लिए। ये एक अपॉइंटमेंट लेटर है, उसमें बताया गया है कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको होती है। तो मैं आपको दिखा दूं, आप ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑफिशियल ऑर्डर है अपॉइंटमेंट लेटर का इलाहाबाद हाई कोर्ट का, डेट देख सकते हैं July 23, 2016 की बात है ये। इसके बाद आपको यहाँ से दिया गया है आपको क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहली बात, अगर आपका हाई स्कूल मांगा गया है आपकी पोस्ट के लिए तो उसका सर्टिफिकेट, अगर इससे ज़्यादा कुछ मांगा गया है तो उसका सर्टिफिकेट, अगर इससे कम भी कुछ मांगा गया है तो उसका सर्टिफिकेट, मगर एज़ पर क्वालिफिकेशन एडवर्टाइज आपको एक सर्टिफिकेट उसका देना है, या उससे ऊपर का सर्टिफिकेट आपके पास है, आप ग्रेजुएट हैं, आपका हाई स्कूल ही मांगा गया था, तो आप ग्रेजुएशन तक के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जा सकते हैं। इसके बाद वैलिड मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपने ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो वैलिड मोटर व्हीकल ड्राइवर लाइसेंस चाहिए फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 5 ईयर, मतलब कि 5 साल से कम का ना हो। इसके बाद बात करें, एक डोमेसियल सर्टिफिकेट चाहिए जो यूपी के रहने वाले हैं उनका, एक कास्ट सर्टिफिकेट जो यूपी के रहने वाले हैं उनका, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो लोग कहीं पहले से सर्विस कर रहे हैं उनका, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो एक्स सर्विसमैन है नेवी और नवल अकेडमी आर्मी और एयरफोर्स के। इसके बाद एक आइडेंटिटी कार्ड आपका चाहिए, उसके तौर पे आप आधार कार्ड ऐसी चीज़ें ले सकते हैं। इसके बाद और एक बात मैं आपको बता दूं, ज्वाइनिंग के लिए जाते समय आपको 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए जो किसी गजेटेड ऑफिसर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हो, उनके द्वारा अटेस्ट किए हुए ए मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम चीफ मेडिकल ऑफिसर और इक्वलेंट। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट आपका ज़रूरी है। इसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ एफिडेविट ऑन स्टाम्प पेपर 10, 10 रुपये के स्टाम्प पेपर आपको लिखा के ले जाना है कि आप किसी भी प्रकार के अपराधी नहीं हैं, आपके सिवा आपके खिलाफ कोई भी FIR दर्ज नहीं है। तो 3 चीज़ें ये नीचे खास लिखी हुई हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एक डिक्लेरेशन कि मैं कोई अपराधी नहीं हूँ 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट अगर यूपी से हैं, डोमेसियल सर्टिफिकेट अगर यूपी से हैं, उसके अलावा अपनी क्वालिफिकेशन जो आपको मांगी गई है उस क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, ड्राइवर के लिए जा रहे हैं तो ड्राइवर का सर्टिफिकेट, एक सर्विस मैन है तो वहाँ से डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट, और अगर आप कहीं पर और सर्विस कर रहे थे तो वहाँ से भी एक सर्टिफिकेट आपको लेना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इतनी चीज़ें ग्रुप सी के लिए लगती हैं, सेम चीज़ें ग्रुप डी के लिए, सेम चीज़ें ARO के लिए, सेम चीज़ें पर्सनल असिस्टेंट के लिए, सेम चीज़ें एडिशनल जो आपका सेक्रेटरी होता है उसके लिए। थोड़ा सा चेंज होता है बस आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है उसका सर्टिफिकेट बदलता है, बाकी सब कुछ सेम ही रहता है दोस्तों। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। जिन भाइयों को ज़रूरत है इसको स्क्रीनशॉट यहाँ से कर सकते हैं, पहले में इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए और फिर ये नीचे का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इन चीज़ों की ज़रूरत होती है दोस्तों, ऐसा ही अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाता है, आपको ज्वाइनिंग के समय सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।